शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ठक्कर साहब जिंदाबाद, ठक्कर साहब अमर रहे, ठक्कर साहब जिंदाबाद, ठक्कर साहब अमर रहे। मुबारक हो ठक्कर साहब, मुबारक हो। अपनी सालगिरह की मुबारकबादी के साथ साथ एक और मुबारकबादी भी कबूल कर लीजिए। एक और मुबारकबादी, वो क्या है? वो ये है कि आज से आपकी 100 लॉरियां आपके कब्जे से जा रही हैं। इतने बड़े बोझ से आज आप हमेशा के लिए आजाद हो गए, उसी की मुबारकबादी दे रहा हूँ ठक्कर साहब। अच्छा, मेरी 100 लॉरियां मेरे कब्जे से जा रही हैं, किस खुशी में? खुशी की बात है ठक्कर साहब, क्योंकि आपने अपनी 100 लॉरियां अपने नाम नहीं, अपने ड्राइवरों और क्लीनरों के नाम कर दी है और उनका हिसाब आप सरकार को नहीं दिखाते, इस खुशी में। अच्छा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तमाम लॉरियां मेरे नाम की नहीं है? या, मैं बिना सबूत के कोई काम नहीं करता ठक्कर साहब। ये रहा सबूत जो ये साबित करेगा कि आपकी तमाम लॉरियां गैर कानूनी और बेनामी हैं। अपने हाथ में रहो वरना बर्बाद करके रख दूंगा। इन्हें बाद में बर्बाद करना मिस्टर सिकंदर लाल कट्टर। सॉरी ठक्कर, पहले अपनी बर्बादी के जश्न में आए हुए इन मेहमानों का स्वागत तो कीजिए। यह आपकी महफिल में बर्बादी का चिराग जलाने आए हैं। आइए ऑफिसर साहब, आइए। यही है मिस्टर सिकंदर लाल ठक्कर। नहीं ठक्कर, मिस्टर सिकंदर लाल ठक्कर, वी आर फ्रॉम विजिलेंस डिपार्टमेंट। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हमें खबर मिली है कि आप गैर कानूनी तरीके से लॉरियों के मालिक हैं और ये तमाम लॉरियां आप बेनामी तरीके से चला रहे हैं। अरे नहीं नहीं ऑफिसर साहब, आपको गलत खबर मिली है। ठक्कर साहब को अपने गरीब ड्राइवरों और मुफलिस क्लीनरों से इतना प्यार है कि इन्होंने फाइनेंस करवा के इन सबको इनकी नाम की लॉरियां खरीद खरीद कर दी हैं। सबूत के तौर पर ये फाइल देख लीजिए, कोई गाड़ी बेनामी नहीं, सभी ड्राइवरों के नाम पर है। क्यों ठक्कर साहब, मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही 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 कह रहा है बिल्कुल। अरे क्या सोच रहे हो साहब, अब भी अगर आपको यकीन नहीं आता तो अभी और इसी वक्त मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जिनके नाम पर लॉरियां हैं और वो अपनी गाड़ी लेकर चले जाएंगे। वो क्या है कि ये सब लोग ठक्कर साहब की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए अपनी अपनी गाड़ियां इनके घर के सामने रखते हैं। देखेंगे। अरे भाई नरेश। हाँ जी। हरीराम। आया भैया। फरीद। अरे चलो भाई अपनी अपनी गाड़ियां ले जाओ, नहीं तो ठक्कर साहब नाराज हो जाएंगे। हाँ ठक्कर साहब, हमें गलत खबर मिली थी, हम जा रहे हैं। नमस्कार। क्या बात है, क्या बात है, अब सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि आपका नाम सिर्फ सिकंदर लाल ठक्कर नहीं, आप दिल के भी सिकंदर हैं। आपने अपने नौकरों को 100 लॉरियां दान में दे दी। वाह 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 वाह। अच्छा ठक्कर साहब, आइए 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 आइए। ठक्कर साहब नमस्ते, चलते हैं, अगली बर्बादी में मिलेंगे, लटकाइए। आप भगवान का रूप है, हनुमान जैसे। जय हनुमान। नमस्ते। I am extremely sorry, ठक्कर साहब। आपकी सारी लॉरियां एक साथ चले जाने का मुझे बहुत दुख हो रहा है। ईश्वर प्रसाद, अपना दुख और अपनी झूठी हमदर्दियां संभाल कर रखना, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे बहुत काम आएंगी। यह सब तुम्हारी बेटी की चाल थी, उसे 2 कोड़ी के ड्राइवर के साथ मिलकर आज हमारा करोड़ों का नुकसान करवा दिया है। आप गलत समझ रहे हैं, वो कोई मामूली ड्राइवर नहीं है, दरअसल वो जस्टिस शारदा देवी का बेटा है। विश्वा जस्टिस शारदा देवी का बेटा है? जी हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मेरा होने वाला दामाद है। अच्छा मैं चलता हूँ। पिताजी, इसने तो हम सब का टाइप बिगाड़ दिया। 100 लॉरियां सरकार के पास चली गई और ये जा रहा अपने होने वाले दामाद के पास। मैं अब कहाँ जाऊँ, मेरी शादी का क्या होगा? अबे मरता क्यों है? तेरी शादी होगी और इसी लता से होगी, मगर इससे पहले इन लोगों से निपटना होगा। आज हिम्मत विश्वा की है और दिमाग जस्टिस शारदा देवी का। अब देख दिमाग से दिमाग को मारकर हिम्मत के हाथ में हथकड़ी कैसे पहनाता हूँ। ये विश्व अभी तक क्यों नहीं आया, क्या वक्त हुआ? वक्त तुम्हें मैं बताता हूँ जस्टिस शारदा देवी।
इस वक्त ठीक रात के 8:40 हुए हैं और ये मेरा हमेशा तुम्हारे घर में आने का वक्त है। इस वक्त यहाँ क्या करने आए हो? 25 साल पहले मैंने जो गलती की थी उस गलती को आज सुधारने आया हूँ। उस रोज तुम्हारी गोद से छोटे से सपोले को खिड़की से फेंकवा कर मैंने देखा नहीं था कि वो जिंदा है या मर गया, मगर आज पता चला कि वो मरा नहीं जिंदा है और सर में कानून का जहर लेकर घूमने वाली इस नागिन की छत्र छाया में पल रहा है। बिल्कुल सही कहा तुमने, मगर अब वो सपोला नहीं रहा बल्कि नाग बन चुका है, शंकर भगवान के गले वाला नाग जो पापियों को ढूंढ ढूंढ कर डसता है। अच्छा, और तुम बहुत मुद्दत तक अपने गुनेगार चेहरे पर झूठ के चादर चढ़ाकर बैठते रहे, मगर अब तुम्हारे चेहरे से चादर हटने का वक्त आ गया है। अब अगर तुम ये दुनिया छोड़कर भी भाग जाओ तो विश्व तुम्हें उस दुनिया में आकर मौत की नींद सुला देगा। सिकंदरलाल ठक्कर जैसे को मौत की नींद सुनाना इतना आसान काम नहीं है। इस ठक्कर से तो मौत भी टक्कर लेते हुए कांपती है, और अगर इत्तेफाक से मौत करीब आती भी है तो अपनी चाल की जाल में उसे ऐसे फांस लेता है जैसे आज मैं तुम्हें फांसने आया हूँ। इस बार मुझे मौत से तुम बचाओगी और देखो कैसे। अपने चाहने वालों को अपने घर में न पाकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जिंदा सही सलामत मेरे पास है, और अगर तुम उनको हमेशा के लिए जिंदा देखना चाहते हो तो एक काम करो, इस वक्त तुम्हारे घर के बाहर मेरे आदमी कार लिए खड़े हैं, चुपचाप उस कार में जाकर बैठ जाओ, वो तुम्हें तुम्हारे चाहने वालों तक पहुंचा देंगे। तुम्हारा और तुम्हारे चाहने वालों की भलाई चाहने वाला तुम जानते हो कौन। चिराग बुझने से पहले जैसे फड़फड़ाता है वैसे लगा एक बेवकूफ इंसान जिसने अपनी कब्र खोदकर खुद को दफन कर लिया, बिल्कुल वैसे लगा। तुम सिर्फ सड़कों पे लारी तेज नहीं चलाते हो बल्कि मुंह के मैदान में जबान भी काफी तेज चलाते हो। आपकी अदालत में इंसाफ की देवी की आंखों पर पट्टियां बांधी जाती हैं, मगर मेरी इस अदालत में आपकी जबान पर ताला लगाया गया है। खामोशी से सुनिए, इस गद्दार ने मुझे बहुत धोखे दिए हैं, मंडप से मेरी होने वाली बहू को भगा कर ले गया। अगर इस जुर्म में मैं इसकी टांगों को तोड़वा दूं तो आप अपने कानून दफा 302 के तहत मुझे मुजरिम करार देने का कोई हक नहीं रखती हैं। इसने इन हाथों से मुझ पर कातिलाना हमला किया, और अगर मैं इसके इन हाथों को तोड़ दूं तो आप अपने कानून के 101 के तहत मुझे मुजरिम करार देने का कोई हक नहीं रखती। इसके बाद इसने मुझसे मेरी 100 लारियां छीन ली, अगर इसकी गर्दन काट कर इसकी जान ले लूं तो आप अपने कानून के दफा 302 के तहत मुझे सजाए मौत देने का कोई हक नहीं रखती। लेकिन अगर ये मेरा सिर्फ एक काम करे, इस मुल्क में दहशत फैलाने के लिए खतरनाक हथियारों से भरी हुई लारी को सड़क के पार ले जाए, मैं जुर्म माफ कर दूंगा। और मैं ये भी जानता था कि ये इस काम के लिए राजी नहीं होगा, इसीलिए मैं इसकी माँ और उसकी माशूका को अगवा करके ले आया, और अगर इसके बावजूद ये इस काम के लिए राजी नहीं हुआ तो मैं दोनों को कत्ल करवा दूंगा और इन दोनों के इतने छोटे छोटे टुकड़े करवा दूंगा कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि माँ का टुकड़ा कौन सा और माशूका का टुकड़ा कौन सा है। अरे ठक्कर, कत्ल की धमकी किसको देता है? देश को गद्दारों के हाथ बेचकर हम जिंदगी खरीदने वालों में से नहीं है। विश्वा देशभक्त है, प्यार और ममता के लिए अपनी मातृभूमि के साथ गद्दारी नहीं करेगा। मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत देशभक्त किस्म के लोग हैं, मगर मेरे पास कुछ ऐसे तोहफे हैं जो मैं देशभक्तों को पेश करता हूँ तो वो सीधे वफादारी से गद्दारी भी उतर आती है। नमूना पेश करूं? ए, हमारे बर्थडे का केक लाओ। तो अगर तुमने मेरा काम करने से इनकार किया तो तुम्हें भी 2 कॉफिन तोहफे में पेश किए जाएंगे, एक में तुम्हारी माँ की लाश होगी और दूसरी में लता की लाश होगी। और अगर तुमने मेरा काम किया, हथियारों को सरहद के पार पहुंचा दिया, तो दोनों को सही सलामत तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। बड़ा आसान सा सौदा है,
फैसला तुम्हारे हाथ में है। That's it. लॉरी लेकर जाना कहाँ है? तुम सिर्फ लॉरी ले जाओ, कौन से रास्ते से जाना है, कौन सी मंजिल पे पहुंचना है, ये तुम्हें रास्ते में बता दिया जाएगा। जी कबूतर। कबूतर? इसके पेट के अंदर क्या है? हेलो विश्वा। हेलो इंस्पेक्टर साहब। साहब ये विश्वा है, इसने हाईवे पर स्मगलिंग के बारे में कई बार खबर देकर हमारे डिपार्टमेंट की मदद की है। ये बड़ा अच्छा आदमी है। इसके अलावा ये ट्रक ड्राइवरों को ट्रक का मालिक बनाने वाला सोशलिस्ट है। हवलदार गेट खोल दो। ठहरो, चाहे ये कितना भी अच्छा आदमी हो लेकिन इस हाईवे पर स्मगलिंग जोरों से चल रही है, हम इसकी तलाशी जरूर लेंगे। हवलदार गाड़ी की तलाशी लो। विश्वा ट्रक चलाओ, तोड़ दो ये चेक पोस्ट। कमान विश्वा चले चलाओ। ठक्कर, मेरे हाथों की हथकड़ियां कैसे टूट गईं? ये देखकर ताज्जुब हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात सुनाने वाला हूं। वो सुनकर तुम्हारे शैतानी दिमाग पर ताज्जुब का एटम बम फट जाएगा। लेकिन ये सुनने से पहले तुम मेरी माँ और लता को आजाद कर दो। यहाँ तक वफादारी निभाते निभाते आखिर गद्दारी पर उतर आए। इस गद्दारी का अंजाम जानते हो? अंजाम की धमकी बाद में देना ठक्कर, इससे पहले एक बार केबिन की तरफ देख ले। इस वक्त तेरा बेटा मेरे कब्जे में है। अगर तुझे तेरे बेटे की जिंदगी प्यारी है तो मेरे लोगों को मेरे हवाले कर दे। अच्छी बात है, मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। अपने लोगों को ले जाओ, मेरा बेटा मेरे हवाले कर दो। चलो साजन। Thank you.
मौत देखना चाहती है? कानून की कसम मां, जाओ यहां, बैठ जाओ मां। इस दरिंदे ने इतने जुर्म किए हैं, अगर इसे हजारों सजा दी जाए फिर भी इसके लिए कम है। इसने मेरी बहन जिसकी शादी होने वाली थी उसकी इज्जत को पाप के पैरों तले कुचलवा कर उसका खून करवा दिया। अगर इसके बदले मैं इसके पैर तोड़ दूं, कानून के दफा 344 के तहत मुझे मुजरिम मत ठहराइएगा। मेरे पिताजी का बेरहमी से कत्ल किया और बचपन में मुझे माँ की गोद से छीनकर तन्हाई की आग में चलने के लिए फेंक दिया। मेरा कसूर क्या था? इस जुर्म में अगर मैं इसके हाथ तोड़ दूं तो आप अपने कानून के दफा 506 के तहत मुझे सजा पर मत ठहराइएगा। योर ऑनर, इस देशद्रोही ने देश का अमन बर्बाद किया, मासूम बेगुनाहों की जान ली। इस जुर्म में अगर मैं इसके पापी शरीर से इसकी जान निकाल लूं, खुरी और कातिल करार मत दीजिएगा। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, तुम्हारे बाप के पवित्र खून की कसम, तुम ये खून नहीं करोगे। तुम्हें तुम्हें मेरी कसम। विश्वा, पिताजी, पिताजी आपको क्या हो गया? पिताजी, 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 मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आया था कि आपकी बहू माँ बनने वाली है। पिताजी और मैं बाप, और पिताजी आप दादाजी बनने वाले हैं। पिताजी, हम लोगों ने फैसला किया है कि अपने होने वाले बच्चे का नाम आपके नाम पे रखेंगे। पिताजी नहीं बेटा, नहीं, मुझ गद्दार के नाम पर उस मासूम फरिश्ते का नाम मत रखना। किसी देशभक्त के नाम पर, मातृभूमि के नाम पर जान की बाजी लगाने वाले के नाम पर उसका नाम रखना बेटे, उसका नाम विश्व रखना।